हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हिटाची एसी के रिमोट के फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। ये है हिटाची का एसी इन्वर्टर सीरीज का नई जनरेशन का मॉडल है और ये उसका नॉर्मल सा रिमोट है। ये आप मॉडल देख रहे हो, ये बेसिक मॉडल है। इससे अपर मॉडल जो आते हैं वो उसका रिमोट थोड़ा अलग टाइप का आता है। नॉर्मली ये रिमोट चलता है, 3-स्टार एसी में यही रिमोट आता है। ये रिमोट कुछ दिखने से ऐसा है, सिंपल है और इसके आपको फंक्शन मैं आपको बता दूं। एसी को अपन यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर अपन को रखना चाहिए 25 डिग्री, ठीक है। ये इससे टेम्परेचर अप डाउन होता है, आप देख रहे हो वीडियो में, बीप की आवाज़ आपको सुन रही होगी, वो एसी में इस तरीके से काम करता है। सेकंड मोड कौन सा अपन को रखना चाहिए, 3 मोड होते हैं, ऑटो, कूल और ड्राई। तो इसमें अपन को कूल पे रखना होता है, ये इससे चेंज होता है। अगर ऑटो अपन प्रेस करेंगे तो ये ऑटो पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ड्राई पे करेंगे तो ये ड्राई पे आ जाएगा। कूल पे अपन को रखना होता है। फैन स्पीड पे अगर बात करें अपन, तो आपको अगर वीडियो में पता चल रहा होगा हवा का फ्लो, तो वो अभी ये एसी मीडियम पे चल रहा है, इसकी एयर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको लो पे रखना हो तो आपको इस फैन के मोड से, इस बटन से आप इसको कम कर सकते हो। ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये मीडियम हो गया। नॉर्मली अपन को डे में हाई पे रखना चाहिए और नाइट में मीडियम या लो पे रखना चाहिए। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो आपको रखना चाहिए 26 डिग्री, क्योंकि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 25-26 डिग्री होता है, तो जो कंफर्टेबल कूलिंग है वो एनी टाइम बनी रहेगी, आपका एसी ज़्यादा लाइट भी नहीं कंज्यूम नहीं करेगा। सेकंड बात करें इस बटन की, एलईडी और फिल्टर। एलईडी का मीन्स क्या है, इसमें ये जो लाइट है आप देख रहे हो, एक लाइट जली हुई है पावर की ऊपर की तरफ, ये एम्बियन लाइट का एरो है और ये पावर की एलईडी है। इसके आगे 3 लाइट और निशान यहाँ पे दे रखे हैं, ऊपर वाला फिल्टर का होता है, नीचे टाइमर का होता है। तो इसको अगर अपन लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये एम्बियन लाइट वाली लाइट है वो बंद हो जाएगी, इस बटन को, फिल्टर वाले बटन को अगर अपन 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जो एम्बियन लाइट का जो सर्किल जैसी लाइट है वो बंद हो जाएगी। इसको वापस चालू करने के लिए इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा अपन को 2 सेकंड, तो मैं अभी करता हूँ। ये हो गई, उसके बाद ये जो की है वो आप जानते हो पावर का की है, इससे एसी ऑन ऑफ होता है। ये सिर्फ अब अगर अपने एसी को एसी फैन मोड पे चलाना हो तो इससे अपन को सिर्फ फैन पे एसी पे चलेगा, एसी कूलिंग नहीं करेगा, ओनली फैन चलेगा। ये है टाइमर। टाइमर की बात करें तो टाइमर अगर आप ऑफ टाइमर अभी एसी चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को 1 घंटे बाद में एसी बंद हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद में एसी बंद हो जाएगा। जैसे मैं टाइमर लगाऊंगा वहाँ पे ये एक और लाइट आ जाएगी, ये मैंने टाइमर लगाया है ऑफ टाइमर, 1 आवर का हुआ है ये, तो ये इसमें एक और लाइट ये आ चुकी है यहाँ पे। के सामने उस टाइमर को ऑफ करना है तो ये ऑफ टाइमर का जो आपके सर रिमोट में आपके डिस्प्ले में आ रहा होगा नीचे की तरफ, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा, टाइमर ऑफ,
इसमें टाइमर ऑफ का लगा हुआ है टाइमर, तो इसको बंद करने के लिए अपन को इसको कंटिन्यू दबाते रखना है। अभी जैसे 24 आएंगे ये 0, ये टाइमर हट गया। 23 हावर्स के बाद में 0 का एक आता है, उस पर लाते ही टाइमर बंद हो जाएगा। यही फंक्शन सेम टाइमर ऑन में करना है। अगर आप मान लो एसी को अभी बंद करके छोड़ रहे हो और आप ये चाहते हो कि 1 घंटे बाद में या 2 घंटे बाद में या 5 घंटे बाद में जब आप घर आओ तो आपको एसी ऑन मिले, तो आप इसमें ये टाइमर डाल सकते हो ऑन टाइमर का। ये है टेम्परेचर का स्विच, ये है स्विंग का। ये जो आगे वाली स्विंग है ये अभी देखो घूम रही नहीं है, इसे मैं ये स्विंग वाली की दबाऊंगा ये अपने आप रोटेट हो जाएगी। ये बेसिक से इसमें फंक्शन है। ये रीसेट, अगर आपको रिमोट को रीसेट करना हो, अगर आपसे जैसे टाइमर लग गया हो वो सेट वो बंद नहीं हो रहा है या कोई भी वजह उसके लिए रीसेट कर रहे हो, तो पेन की नोक से आप इसको दबा के इसको रीसेट कर सकते हो। ये है लॉक की की, अगर आपके घर में बच्चे रहते हैं, बच्चे छेड़ रहे हैं रिमोट को बार बार, तो आप चाहो कि रिमोट को कोई छेड़े नहीं, तो इसको आपको पेन के नोक से आपको इसको बंद कर सकते हो अंदर की साइड। तो ये बटन दोनों अंदर की साइड में हैं तो बच्चे इसको छेड़ नहीं सकते, तो इससे रिमोट लॉक हो जाएगा। ओके गाइस, ये ही इस रिमोट में इतना स्पेशल जो था मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।